हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल यार नाम है। दोस्तों मेरा नाम आपसे आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एप्पल वालों का M2 मैक मिनी लॉन्च हो गया है, जो कि अभी लेटेस्ट है M2 मैक मिनी। सो गाइस, इसको मैंने परचेस कर लिया है और आप लोगों को कंप्लीट ओवरव्यू दिखाऊंगा, जो कि एकदम काफ़ी अच्छा है। मैं पिछले 10 दिनों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें मैंने इसको परचेस किया और क्या इसमें यूज कर सकते हैं। और ये इतना छोटा है कि आप लोग इसको कहीं पर ले भी जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। ये 10 कोर GPU और 8 कोर CPU के साथ में आता है और आप लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये पहले फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था M1 चिप के साथ में मैक मिनी, तो उसका ये लेटेस्ट वर्जन है M2 मैक मिनी। तो इसमें 35% बूस्ट बताया जाता है कि एप्पल की तरफ से कि ये M1 से 35% बूस्ट किया गया है। तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर आप वीडियो एडिटिंग या फिर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं सिंपल टास्क, तो आप कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो मैं एकदम 60,000 के आसपास 59,900 रुपये का। तो इसको मैं चलिए कंप्लीट ओवरव्यू बताता हूँ, आप लोग अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बेसिकली ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं कंप्लीट ओवरव्यू बताता हूँ आप लोगों को। आपको यहाँ पे एप्पल M2 माइक मिनी में आपको मिलेगा एक पावर बटन और एक पावर सॉकेट, मतलब कि जिससे आप पावर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक ईथरनेट केबल मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्ट इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपना 8K मतलब कि आप मॉनिटर लगा के इसमें यूज कर सकते हैं। और गाइस, इसमें एक HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट भी मिल जाएंगे, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इजिली वे में। सारे पोर्ट्स की तो कोई दिक्कत नहीं, सारे पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा फाइन भी है, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। मतलब फाइन थोड़ा इसको जैसे थोड़ा हाई स्पीड मतलब हाई लोड पड़ने के बाद ये फाइन चलता है मतलब की जैसे। सो गाइस, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। मैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो मैं लाऊंगा एक्स्ट्रा, जैसे कोडिंग करके या फिर वीडियो एडिटिंग करके, वीडियो एक्सपोर्ट करके, 4K वीडियो एक्सपोर्ट करके, सारी चीज़ों के बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट मतलब कि M2 मैक मिनी का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। अगर आप लोग सिंपल टास्क करते हैं, फॉर एग्जांपल कोडिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और भी जो भी चीज़ें हैं, आपके सारे काम एकदम अच्छे से होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोग इतने में विंडोज़ का एक PC सेटअप कराते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं चल पाएगा जितना कि मैक मिनी में चल जाएगा। ये मैं वैसे तो अगर आप 60,000-70,000 रुपए का भी एक PC सेटअप मतलब कि फॉर एग्जांपल CPU सेटअप कराते हैं, मतलब कि एक PC बिल्ड कराते हैं, तो आपका इससे मैक मिनी से अच्छा तो मैं नहीं कह सकता कि चल जाएगा। और इसमें कुछ होता है विंडोज में थोड़ा ओपन सोर्स रहता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने खुद से कर सकते हो, उसका सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सॉफ्टवेयर कहीं से पेड लेने की जरूरत नहीं है, वो उसका सब जुगाड़ हो जाता है। आजकल हमारे सारे दोस्त लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं, बाकी जो नहीं हो पाता वो कुछ लोग मुझसे मांग लेते हैं। तो चलिए, मैं इसका एकदम सेटअप कैसे करना है मैं कंप्लीट सेटअप करना दिखा देता हूँ आप लोग कैसे इसमें सेटअप कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने एक मॉनिटर GigaByte का लिया था, ये मॉनिटर का मैंने रिव्यू वीडियो डाला था, अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो मेरा जो यहाँ पे आप लोग मॉनिटर देख पा रहे हैं, ये हमारा 27 इंच का मॉनिटर है IPS डिस्प्ले के साथ, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। इसके साथ मैं कनेक्ट किया हूँ ये हमारे मैक मिनी के साथ, इस मॉनिटर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया और हमारे पास जो कीबोर्ड और माउस है, नॉर्मल कीबोर्ड माउस जो भी हम यूज़ करते हैं विंडोज़ का, वही यूज़ कर रहा हूँ और चल भी जाता है काफ़ी अच्छे से। और इसमें ऐसा है गाइस, जो विंडोज़ का कीबोर्ड होता है कुछ अलग टाइप का होता है और जो एप्पल का कीबोर्ड होता है वो अलग टाइप का, थोड़ा टाइप का मतलब ही उसमें कमांड यूज़ होता है, इसमें विंडोज़ यूज होता है। तो मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, एप्पल का जो मैक मिनी है इसमें काफ़ी सारे वेरियंट आते हैं, तो जो कि मैं अभी लिया हूँ बेस वेरिएंट, इसमें 8 कोर GPU 10 कोर CPU है और इसमें 256 GB स्टोरेज है। तो गाइस, स्टोरेज की बात करो तो इसमें लोग काफ़ी लोग सोचेंगे कि इसमें स्टोरेज बहुत कम है, तो स्टोरेज ऐसा है मैं बता देता हूँ। स्टोरेज का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो आप लोग SSD परचेज कर सकते हैं, 500 GB या फिर 1 TB की SSD आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग उसमें कनेक्ट करके काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और SSD काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई फाई रेंज में नहीं आती,
ले सकते हैं। और अगर आप इसके साथ में जाना चाहेंगे, अगर इसमें 256 GB स्टोरेज है, अगर आप लोग 512 GB स्टोरेज के साथ में लेना चाहेंगे तो 20,000 आपका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वैसे नॉर्मल कोई भी SSD परचेज कर लीजिए, सैमसंग वगैरह पे या फिर कोई भी अदर कंपनी की, तो उसमें स्टोरेज परचेज मतलब कि स्टोरेज के लिए आपको बहुत बेटर रहेगी SSD, अगर आप लोग मैनुअल SSD परचेज कर सकते हैं, मतलब कि फिजिकल SSD वहाँ पे ले जाके, यहाँ पर थंडरबर्ड पोर्ट की जरूरत नहीं, मतलब कि लगा के पोर्ट लगाओ और SSD में आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी है आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। ओके गाइज, तो वैसे और भी इसमें आता है M2 Pro है और M2 Pro Max के साथ में आता है, तो काफी सारे वेरिएंट आते हैं इसमें। अगर आप लोग, मैं तो कहूंगा अगर आप लोग नॉर्मल चीजें लेना, नॉर्मल यूज करने चाहते हैं, नॉर्मल का मतलब बहुत हाई फाई काम नहीं है आपका, 4K वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी है, ये सब भी मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर और भी, अगर आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा और बड़ा लेना चाहिए मुझे, तो आप लोग थोड़ा और भी पैसे इन्वेस्ट करके बड़ा ले सकते हैं, ताकि आपका और भी कोई भी काम रुकने ना पाए। ओके गाइज, तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और इसका मैं कंप्लीट परफॉर्मेंस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं वीडियो को एडिट करके, एडिटिंग करना या फिर रेंडरिंग करना और भी चीज़ें जैसे कोडिंग या फिर सारे सॉफ्टवेयर को यूज करके कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आप लोग इसमें यूज करके आप लोग कैसे क्या कुछ देख सकते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और प्राइसिंग की बात करूँ तो सो गाइस ये मुझे कितने का पड़ा, मतलब प्राइसिंग के लिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 59,900 रुपये का हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के आप लोगों को 6 से 10% के बीच में डिस्काउंट, हमेशा स्टूडेंट का डिस्काउंट रहता है, कभी 6%, कभी 8%, कभी 10%, जो भी डिस्काउंट आपको परचेज मतलब लेना है वो आप लोग मतलब कि कहीं कहीं पे जितना भी रहता है अवेलेबल, ये चेंजेस होता रहता है, 6 या 8, कभी कभी 6 रहता है, कभी 8 रहता है, कभी 10 रहता है, तो ये हमेशा चेंजेस रहता है। तो जो भी आपको मतलब अपने लोकल अथोराइज जो भी एप्पल का स्टोर है वहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं, तो वहाँ पे पता करने के बाद वहाँ पे बता देंगे, या फिर आप एप्पल की वेबसाइट पे आके आप लोग खुद से ही रजिस्टर करके अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह दिखा के आप लोग स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ, आप लोग HDFC या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें भी डिस्काउंट मिलता है गाइज। ये मुझे HDFC के क्रेडिट कार्ड से मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिला, और स्टूडेंट डिस्काउंट मतलब कि स्टूडेंट आईडी से मुझे 6% का डिस्काउंट मिला, ये 59,900 रुपये का पड़ रहा था, तो मुझे ये टोटल मिला के 51,300 कुछ रुपये का ये मुझे कंप्लीट पड़ा। और जैसे कि 5,000 का डिस्काउंट मुझे क्रेडिट कार्ड से हो गया, और शायद 3,000 कुछ रुपए का आई थिंक स्टूडेंट आईडी से डिस्काउंट होगा, टोटल मिला के 51,300 कुछ रुपए का ये मुझे पड़ा। और आप लोग भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो जाके परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये और आपको सेटअप करने के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग मॉनिटर लेना चाहते हैं तो मॉनिटर ये मुझे 18,000 रुपये का पड़ा, और टोटल मिला के आपका सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा ये 70,000 रुपये के आसपास में, कम्प्लीट एक PC बन जाएगी। और की नॉर्मल कीबोर्ड माउस आप जैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी आप नॉर्मल कीबोर्ड माउस ले सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता तो नीचे कमेंट करके बताइए, और मैं उससे वीडियो जरूर बनाऊंगा या फिर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग टेक्निकल जानना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।